हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं दिल्ली देसी किचन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं 2 कप मैदा लिया है, इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं मम्मी का साथ ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मम्मी इसमें मेरी हेल्प कर रही है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है। हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो बेल के और एक इस तरीके से, जिस तरीके से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। मैंने बेल के भी बना रखा है तो मैंने सोचा इस तरीके से बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको फ्लोर को ले लिया, मैदे को ले लिया और इसके अंदर वाटर टेक्सचर के लिए थिकनेस रखना है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको अच्छे से मिला लेना, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो इसको पैन के अंदर आप देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, जैसे कि डोसे का बैटर होता है उसी तरीके से फैला लेना है। थोड़ी मम्मी से गलती हो गई है, लो फ्लेम पे रखना है। अगर आपको नॉन स्टिक नहीं है तो आप पहले इसको ऑयल ग्रीस कर लेना, उसके बाद आप बैटर को रखना। देखिए दोस्तों, ये साइड से आपको छोड़ दें तो आपको इस तरीके से उठा के पलट लेना है। ये अपना भी आप साइड छोड़ देगा और इस तरीके से भी मिल जाएंगे आपके स्प्रिंग शीट्स। तो मैंने 5-6 शीट्स बना लिए आपको दिखाने के लिए। तो देखिए इसी तरीके से आपको शीट्स बनानी है, बहुत ही पतली पतली शीट्स बनेंगी इसी तरीके से और बहुत ही क्रिस्पी। और ध्यान रहे, अगर आपको रोल्स को डबल क्रिस्प करना है तो आपको डबल फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, इसके हम अपने नूडल्स को बनाएंगे, वेज नूडल्स, जिसकी रेसिपी आप देख सकते हो मैंने अलग से बना रखी है। बट इसमें मैं शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल करूँगा तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हमने कैप्सिकम एंड ऑनियन का ऐड किया है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। दोस्तों इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके हम डालेंगे शेजवान चटनी। अगर आपको शेजवान चटनी की रेसिपी देखनी तो मैं आपको आई लिंक में डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख सकते हो। अब हमने इसमें डालिए अपने बॉयल नूडल्स, जो कि हमने, अगर आपको नूडल्स की रेसिपी देखनी तो मैं लिंक में डाल दूँगा, आप देख सकते हो। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो इसमें डालेंगे हम बॉयल नूडल्स और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ध्यान रखिएगा, हमने शीट्स बनाई थी जिसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, तो ज़रा सोच समझ के नमक डालना। एंड देन इसमें हमने ऐड करी रेड चिली पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर, जो कि खटास के लिए होता है बेसिकली, टेस्ट के लिए। और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, या डार्क सोया सॉस भी आप ऐड कर सकते हो। मैं 1.5 महीने से बीमार हूँ दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी कि मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रहा। तो इसको अच्छे से मिला लेना है। इस वीडियो में मम्मी की हेल्प ले रहा हूँ तो आप देख सकते हो। इसको अच्छे से स्टर करके अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि हमारी फीलिंग काम करेगी। आप फीलिंग कुछ भी बढ़ सकते हो, बट मैंने स्प्रिंग रोल के लिए यही चुना। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ इसको फ्राई कैसे करना है, इसको बंद कैसे करना है, लॉक कैसे करना है। तो हमने इसके नूडल्स भर लिए, देन इसको फोल्ड करते हुए, बस इतना फोल्ड करके, अब मैं जो मैदा था उसको थोड़ा छान के इसमें वाटर टेक्सचर ला के इस तरीके से मैं शीट्स को बंद कर ली मेरी चादर से मैदे को लगा के। इस तरीके से क्लोज करनी है
देन आपको दोनों तरफ से और क्लोज करनी है मैदा लगा के, ज़्यादा मैदा नहीं, ज़्यादा मैदा इसको निकाल देना, इसको प्रेस करके इस तरीके से दोनों तरफ से आपको क्लोज रखना है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, इसके अंदर सारा ऑयल चला जाएगा और बिल्कुल मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आपको डीप फ्राई कर लेना है। अगर आपको, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, अगर आप उसको डबल क्रिस्पी करना है तो आप उसको डबल फ्राई ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने फर्स्ट राउंड लिया है, इसको हमने पहली बार फ्राई करेंगे, देन इसको सेकंड बार भी फ्राई करेंगे। आपने देखा होगा कि जो बाहर जो स्ट्रेट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स होते हैं उनको पहले ही फ्राई करके रख लेते हैं, तब अभी देख लो हमने रख लिए हैं। देन इसको डबल फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको डबल फ्राई करा, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये मेरी शेजवान चटनी है, आप इसके दिन ट्राई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। गुड बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।